हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक और ग्रुप ए ऑफिसर जो कि रेलवे में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे IRAC ऑफिसर, दैट इज इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, जो ऑफिसर्स ग्रुप ए ऑफिसर्स UPSC के थ्रू रिक्रूट होते हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, तो बेसिकली IRAC स्टैंड्स फॉर इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, और ये जो है रेलवे का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसमें पोस्टेड होते हैं। दोस्तों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो होता है एम्प्लॉयज और एसेट वाइज रेलवे का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। सबसे ज़्यादा इनके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं और बहुत सारे एसेट्स हैं, जैसे पूरी रेल्स इनके पास है, जितने बिल्डिंग्स हैं, जितने रेलवे के कॉलोनीज हैं, रोड्स हैं रेलवे कॉलोनीज में, तो ये सभी जो हैं वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं। तो एक मेजर डिपार्टमेंट है दोस्तों रेलवेज का, और रेलवेज का मेजर डिपार्टमेंट होने के साथ ही IRAC जो ऑफिसर्स हैं उनके पास काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ करने पड़ते हैं दोस्तों उनको, और कई सारे रेलवे के एसेट्स को उनको लुक आफ्टर करना पड़ता है। दोस्तों, अब हम देखें अगर ट्रेनिंग ऑफ IRAC ऑफिसर्स के बारे में, तो ट्रेनिंग इनका जो 3 to 4 months की जो ट्रेनिंग होती है दोस्तों वो नायर बड़ौदा में होती है। नायर बड़ौदा बेसिकली बड़ौदा में एक इंस्टीट्यूट है रेलवे का, जो कि नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज बोलते हैं, और यहाँ पे रेलवे के जितने भी ग्रुप के ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं और इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, सभी का कम्बाइंड ट्रेनिंग नायर बड़ौदा में होता है। इसके अलावा दोस्तों इनकी जो ट्रेनिंग होती है बड़ौदा के अलावा जो मेजर ट्रेनिंग होती है वो होती है इरिसेन पुणे में। इरिसेन स्टैंड्स फॉर इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स पुणे, तो सिविल इंजीनियरिंग का जो इंस्टीट्यूट है वो है इरिसेन, और वहाँ पे इनकी रेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा इनकी भी ट्रेनिंग 2 हफ्ते के लिए IIM में होती है दोस्तों, IIM अहमदाबाद या बैंगलोर, जो भी डिपेंड करता है। कभी कभी इनकी भी फॉरेन ट्रेनिंग्स होते हैं दोस्तों, और फाइनली राष्ट्रपति भवन में 1 हफ्ते की ट्रेनिंग जरूर होती है दोस्तों। इसमें राष्ट्रपति भवन में लोकसभा राज्यसभा घुमाया जाता है इनको, इनके जो भी लोकसभा राज्यसभा से रिलेटेड जो वर्क एक्टिविटीज़ हैं वो उनको बताए जाते हैं कैसे वर्क होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग का मोटा मोटी देखा जाए तो 1.5 ईयर्स का ट्रेनिंग मॉड्यूल है दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों प्रमोशन एवेन्यूज ऑफ IRAC ऑफिसर्स, जो रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग में जो ग्रुप ऑफिसर्स हैं उनके प्रमोशन एवेन्यूज को डिस्कस करते हैं। दोस्तों बेसिकली ये सबसे पहले जब ज्वाइन करते हैं रेलवेज में, तो ये आफ्टर ट्रेनिंग दे आर पोस्टेड एज AEN। AEN इज बेसिकली असिस्टेंट इंजीनियर, तो असिस्टेंट इंजीनियर पहली पोस्टिंग है। यहाँ पे ये 2 से 3 साल जब वर्क कर लेते हैं तो दे आर प्रमोटेड टू DN। DN इज बेसिकली डिविजनल इंजीनियर, तो DN जो होता है उनको एक पर्टिकुलर सेक्शन रहता है, ये उनके अंडर में कुछ AEN होते हैं दोस्तों, तो ये DN थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल टाइप का जॉब है। यहाँ आपकी जो पोस्टिंग है वो डिवीजन में हो जाती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रमोशन है दोस्तों वो है सीनियर DN का। सीनियर DN जो है दोस्तों ये बेसिकली एक डिवीजन का ओवरऑल इंचार्ज होता है। इसके अंडर में कई DNs होते हैं, कई AEN होते हैं, मतलब देखा जाए तो एक सीनियर DN के अंदर में 2-3 DN होंगे और 4-5 AEN होते हैं। तो दिस इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर इन अ डिवीजन, मतलब ये डिवीजन का ओवरऑल इंचार्ज सीनियर DN होता है। यहाँ 2-3 साल काम करने के बाद दोस्तों ये जो है डिप्टी CE के पोस्ट पे चले जाते हैं। डिप्टी CE इज बेसिकली डिप्टी चीफ इंजीनियर। अब डिप्टी चीफ इंजीनियर के पोस्ट पे वो 3-4 साल वर्क करते हैं, तो ये फिर नेक्स्ट चले जाते हैं CE के पोस्ट पे। CE इज बेसिकली चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर एक ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है रेलवेज में, ये जोनल हेडक्वार्टर में पोस्टेड होते हैं चीफ इंजीनियर्स। इसके अलावा चीफ इंजीनियर से 3-4 साल बाद उनकी जो है प्रमोशन होके PCE बन जाते हैं, दैट इज प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है दोस्तों रेलवे में। जो भी पर्टिकुलर जोन होता है, जोन का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसके ओवरऑल इंचार्ज होते हैं PCE, दैट इज प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर, मतलब जो इंजीनियरिंग विभाग है उसका ओवरऑल इंचार्ज PCE होता है। यहाँ PCE में भी कुछ समय वर्क करने के बाद वो GM बन जाते हैं दोस्तों। GM इज बेसिकली जनरल मैनेजर, ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने। GM जो होते हैं वो पूरे जोन के इंचार्ज होते हैं। रेलवे में टोटल 17 जोन्स हैं, 17 जोन्स में 17 GM होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन है वो है दोस्तों मेंबर का। मेंबर इज मेंबर इंजीनियरिंग, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, इस तरह के जो फाइनल प्रमोशंस हैं दोस्तों वो इस तरह से हैं। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो प्रमोशन स्ट्रक्चर है एक IRAC ऑफिसर का। दोस्तों अब हम देखते हैं IRAC ग्रुप ऑफिसर से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें।
दोस्तों देखा जाए तो IRAC ऑफिसर रेलवे के एक सबसे बड़े डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सारा एसेट्स होता है। यू हैव टू कंट्रोल एवरीथिंग राइट फ्रॉम रेलवे ट्रैक्स टू बिल्डिंग्स, रेलवे कॉलोनीज, रोड्स, ये सभी को आपको देखना पड़ता है। तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबल टाइप की जॉब रहती है दोस्तों। और ये जो है पूरे डिवीजन को कंट्रोल करते हैं ओवरऑल वर्किंग को, क्योंकि इनका बहुत बड़ा एसेट होता है, एसेट क्लास बहुत बड़ा है। इसके अलावा रेलवे के जितने भी बड़े मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं दोस्तों, वो भी IRAC ऑफिसर्स हैंडल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों डिपुटेशन बेसिस पे वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस जैसे RVNL है, मेट्रो है, DFCCIL है, ये सब रेलवे के जो PSUs हैं, या जो मेट्रो रेलवे, आजकल मेट्रो रेलवे ऑलमोस्ट हर बड़े शहर में आ रहे हैं, तो वहाँ पर इनकी भी पोस्टिंग होती है। इसके अलावा IRAC ऑफिसर देश के कुछ बहुत स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को, जैसे कोंकण रेलवे है, NF रेलवे जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है आसाम वगैरह, वहाँ पे जो ये नए रेल्स बिछा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में जो नए रेल्स बिछे हैं, अगरतला में जो नए रेल्स बिछे हैं, अभी जम्मू से श्रीनगर को जो कनेक्ट किया जा रहा है, तो ये सब जो मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं वो IRAC ऑफिसर्स हैंडल करते हैं। तो ये था दोस्तों ओवरऑल IRAC ग्रुप ए रेलवे में जो ऑफिसर्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ ब्रीफ डिस्कशन। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके अलावा इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य हिट करें, ताकि रेलवे से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।